तो हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है आपके फेवरेट चैनल द प्रीमियम एवोकस पर। मैं हूं आपके साथ देवंजन दे। तो आप लोग कैसे हो इस लॉकडाउन में? मेरा मानना है अब अच्छे ही होंगे और आपका एडुकेशन लगातार आगे बढ़ा रहे होंगे। सो आज मैं लाया हूं मल्टीप्लिकेशन की सेकेंड शॉर्ट ट्रिक, ओ वी एबकस टूल के बगैर। मतलब एबकस टूल नहीं चाहिए उस शॉर्ट ट्रिक में, सिर्फ ये फ्लैश कार्ड चाहिए, सिर्फ ये फ्लैश कार्ड। सो देखना जरूर पूरा वीडियो एंड बीच में मत छोड़ के जाना, तभी आपको पूरा चीज़ समझ में आएगा। सो सब्सक्राइब माई चैनल एंड क्लिक ऑन द बेल आइकॉन, जिससे आपके फ़ोन में हर वक्त मेरा न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आता रहे। एंड आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ, मेरा एक टेलीग्राम ग्रुप है, उसका भी नाम है द प्रीमियम एवोकस। मतलब यूट्यूब से पूरा सेम है, द प्रीमियम एवोकस लिख के आप टेलीग्राम में सर्च करना और एंड वो ग्रुप ज्वाइन कर लेना। मैं वहाँ पे एबकस के ऊपर क्विज देता हूँ हर संडे को। तो 30 मई, 30 मई मतलब आने वाला संडे को इवनिंग में 4 PM पर एक मेगा क्विज है। तो उसके लिए मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करिए एंड मेगा क्विज अटेंड करिए। सो आज देखते हैं कि हम वीडियो में क्या क्या बनाते हैं। तो पहले मैं एक नंबर लिया है, वो है 8 × 9 = 72। ठीक है, तो मैंने तो पहले ही बताया था कि फ्लैश कार्ड में सिर्फ पिक्चर होगी बीट की, उसको सिर्फ अंगूठा लगाकर आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। ठीक है, तो देखिए 7 किधर आएगा, यहाँ पे तो 5 है। 5 पे मैं पहले मैं अंगुल दे देता हूँ, फिर 6, फिर 7। ठीक है, फिर 2 करने के लिए पहले तो इस पॉइंट में इंडेक्स फिंगर डालिए एंड थंब फिंगर इस 2 में, तो 72 आ चुका है। ठीक है, 72 आ चुका है, देखिए कितना आसान है। ठीक है, तो उसमें तो आप, मैं जो पहले वीडियो डाला था उसमें तो आपको टूल की ज़रूरत होगी, पर इसमें टूल की भी ज़रूरत नहीं, सिर्फ फ्लैश कार्ड। मतलब कितना आसान है। और मैं ले लेता हूँ 25 × 6। तो ये आप कैसे करेंगे? ठीक है, पहले ही मैं बता देता हूँ कि टूल के सिवाय मैं जो हर एक ट्रिक सिखाऊंगा, हर एक ट्रिक में आपको 100 रॉड से, मतलब 100, 10,000, 1,000 सब रॉड्स को आपको माइंड में कैलकुलेशन करना पड़ेगा। ठीक है, 100 से सिर्फ आप टेंस एंड वंस रॉड ही आप यहाँ पे कैलकुलेशन कर पाएंगे। ये चीज़ आपको हर एक ट्रिक में मैं बताऊंगा, हर एक ट्रिक के लिए ये ज़रूरी है। तो आपका माइंड कैलकुलेशन थोड़ा भी सही होगा तो ये आंसर सही आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए मैं 25 × 6 करता हूँ। ठीक है, हाँ, और एक बात, एबाकस में कुछ भी मल्टीप्लिकेशन करने के लिए हम क्या कह करते हैं, सिंपली 25 × 6 अगर करते हैं तो हम इस साइड से मल्टीप्लिकेशन करना शुरू करते हैं। ठीक है, जैसे 30 30 हो गया तो यहाँ पे क्रॉस लगा दीजिए और यहाँ पे 150। ठीक है, पर एबाकस में ये चीज़ नहीं चलेगा, एबाकस में ये चीज़ बिल्कुल नहीं चलेगा। ठीक है, एबाकस में आपको करना है, इससे पहले इसको मल्टीप्लाई करना है, फिर इसको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है,
तो आपको तो मैं पहले ही बता चुका हूँ कि मल्टीप्लिकेशन करने के लिए कौन सी रॉड ज़रूरी है, वो आगे देख लेनी है। तो वन वन एंड वन, सो इसका आंसर आना चाहिए थर्ड रॉड से, मतलब 100 रॉड से। ठीक है, तो देखिए 6 2 12, ठीक है, 100 रॉड की वन को आप माइंड में सेट कर लीजिए। ठीक है, माइंड में सेट कर लीजिए 100, एंड टू टू के लिए आप यहाँ पे एंड यहाँ पे ये पॉइंट है, यहाँ पे पॉइंट पिक्चर नहीं है, पर आपको यहाँ पे हाथ रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे दो पे आप अंगुल लगा लिए, फिर आपको वन माइंड में है, फिर थ्री है, ठीक है, थ्री है, 6 5 30, तो 30 सेकेंड, क्योंकि ये 10th रॉड में आता है 30, तो 2 + 3 कितना आता है 5, तो यहाँ पे लगा दीजिए। ठीक है, तो आपको माइंड में 100 है, मतलब आप वन ही पकड़ के रखे, माइंड में 1 है एंड यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 0 है, तो आंसर आ गया 150। ठीक है, मैं और एक करके दिखा देता हूँ। ठीक है, 3 4 6 × 5, 3 4 6 × 5, तो कितना आंसर आना चाहिए। ठीक है, मैं करके दिखा देता हूँ। तो पहले तो आपको देखना पड़ेगा कितना रॉड्स पे ये आंसर आना शुरू होना चाहिए। तो 1 2 3 4, 4 नंबर, मतलब 1000 रॉड पे ये आंसर आना चाहिए। ठीक है, तो मैं पहले देख लेता हूँ 3 5 15, 15 10th रॉड में आता है, ना कि 1th रॉड में, इसलिए मैं 4th रॉड से ही स्टार्ट करूँगा। ठीक है, तो 15 के लिए आपको 1 5 दोनों ही माइंड में रखना है, क्योंकि 1 5, ठीक है, इसके बाद 10th रॉड शुरू होता है। ठीक है, तो 1 5 माइंड में रख लीजिए। ठीक है, अब माइंड में सिर्फ इतना रखिए। ठीक है, फिर आपको क्या करना है, 4 5 20, ठीक है, तो इसको हटा दीजिए, 3 रॉड्स है, 3 रॉड्स में 20 आता है, तो 20 एकदम 10th रॉड में आता है, तो कोई बात नहीं, 20 यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, ये सब माइंड में करना है। ठीक है, 15, तो ये तो 3 रॉड में है, तो 20, ठीक है, यहाँ पे कितना आ गया, 17, ठीक है, तो 5 6 कितना होता है, 30, तो 30 तो आप यहाँ पे कर सकते हो, तो 30 आ चुका है, तो यहाँ पे कितना है, 1 7 और यहाँ पे 30 है, फिर 1 7 30 आंसर आ चुका है। जी हाँ दोस्तों, आप कैलकुलेटर निकाल कर देख सकते हैं, आंसर बिल्कुल सही आया है। ठीक है, कैलकुलेटर निकाल लीजिए, आप मेरे साथ कैलकुलेशन कीजिए। ठीक है, आप देखिए एकदम सही आंसर आया है। ठीक है, अब मैं डबल डिजिट की करके दिखा देता हूँ। ठीक है, 24 × 46 सपोज। ठीक है, तो पहले तो आप इसको हटाएंगे, तो एक रॉट को आपको हटाना होगा। ठीक है, फिर इससे 1 से काउंट करना। ठीक है, असलियत में ये 1th रॉड है, पर आपको यहाँ काउंट करना है 10th रॉड से। ठीक है, तो यहाँ पे हटा दीजिए, 3 है, तो 10th रॉड के आगे 3 रॉड। ठीक है, इसका मतलब असलियत में 1000 रॉड से ये शुरू होना चाहिए। ठीक है जी, 4 × 2 = 8, 8 पकड़ लीजिए। ठीक है, और हाँ, 8 टेंस में नहीं आता, मंथ्स में आता है। ठीक है, तो इसलिए आपको माइंड में पकड़ना है 08। ठीक है, 0 आप हटा भी सकते हैं और नहीं भी हटा सकते, पर 0 आपके कैलकुलेशन में मदद करेगी। ठीक है, तो 8 कर लीजिए, एंड यहाँ पे आता है 4 4 16, तो 16 आपको यहाँ पकड़नी है। ठीक है, 16 पे 1 यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो 9 एंड 3rd रॉड कंप्लीट हो गया, फिर 2nd रॉड में आता है,
तो आपको सिक्स यहाँ पे पकड़नी है, ठीक है, यहाँ पे सेकेंड डॉट, ठीक है, मतलब टेंथ डॉट, फिर सिक्स से मल्टीप्लाई करनी है, ठीक है। सिक्स वन ज़ार 12, अब ये हट चुका है, ठीक है, क्योंकि ये पहले वाला है। जी हाँ, बात सही से सुनना, ठीक है, क्योंकि ये पहली वाली नंबर है, इसलिए इसके लिए कोई भी डॉट गैप देने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो इसके आप सिंपली हटा दीजिए, तो सिक्स वन, यहाँ पे तो तीन डॉट है, तो तीन डॉट से आना चाहिए, मतलब ये वाला डॉट से आना चाहिए, ठीक है, ये फोर डॉट, ये थ्री डॉट, तो सिक्स टू ज़ार 12, तो वन यहाँ लिख लीजिए एंड टू यहाँ ऐड कर लीजिए, मतलब ये माइंड में करना है, ठीक है। तो 10 आ गया, तो यहाँ आपका आ गया 10, ठीक है, 10 को मतलब वन फोर रॉड में आ गया, तो 10 आ रहा है, ठीक है। तो सिक्स फोर कितना होता है 24। अब देखिए यहाँ से, यहाँ पे पहले से ही 8 है, अबर और 24, ठीक है, और एक होता है, फिर दो लाने के लिए एक आगे जाना पड़ता है, तो यहाँ पे एक लिख दीजिए एंड यहाँ पे आ जाता है 11, 11 और सिक्स फोर ज़ार 24, 20 पहले ही ऐड हो चुका है और फोर सिप, ठीक है। तो आपका आंसर आ चुका है 11 0, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो 4, 11 0 4। जी हाँ दोस्तों, 11 0 4 आपका आंसर है, आप चेक कर सकते हैं। तो हर एक वीडियो मेरा देखते रहना, मैं इस कदर आपको मल्टीप्लिकेशन सिखाऊंगा कि आप 2 सेकेंड 3 सेकेंड्स में आंसर ला सकते हैं, 2 सेकेंड 3 सेकेंड में आप आंसर ला सकते हैं, ऐसा ट्रिक भी मैं सिखाऊंगा। तो तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ, अगली वीडियो में आता हूँ फिर से, तो तब तक के लिए बाय।